डियर एसवाईजीएंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम एनसीसी कैडेट्स जो होते हैं उनको यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर क्या फ़ायदे होने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट इन द एडमिशन प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली एनसीसी जो होती है उसका बेनिफिट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है उसके जो एडमिशन्स होते हैं उसके अंदर मेरिट के जो मार्क्स होते हैं उसमें मिलता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहली बार थल, वायु और नौसैनिक कैंप वालों को फ़ायदा मिलेगा। मतलब ऑलरेडी एनसीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की जो मेरिट लिस्ट होती है एडमिशन्स की उसमें वेटेज रखती है, लेकिन अब जो एनसीसी का थल सैनिक कैंप टीएससी होता है, वायु सैनिक कैंप वीएससी होता है, या नेवल का जो नौसैनिक कैंप होता है एनएससी कैंप होता है उसका बेनिफिट भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में मिलने वाला है। ऐसे कैडेट्स एसडब्ल्यू या एसडी, जेडब्ल्यू या जेडी जिन्होंने थल सेना कैंप, वायुसेना कैंप या नौसैनिक कैंप किया है उनको एडमिशन्स में बेनिफिट रहने वाला है। यहाँ लिखा हुआ है एनसीसी कैडेट को मिलेगा वेटेज 5-5% अंक का होगा लाभ। ये वीडियो जो है वो पर्टिकुलरली एनसीसी और उसके सर्टिफिकेट्स का यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एडमिशन में जो बेनिफिट है उसके लिए होने वाला है। इसके अलावा एनएसएस जो राष्ट्रीय सेवा योजना होती है उसके भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन सर्टिफिकेट्स का भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में फ़ायदा मिलता है। मेरिट के अंदर उनको वेटेज मिलता है, एक्स्ट्रा मार्क्स मेरिट में दिए जाते हैं। उसका वीडियो एनएसएस के बेनिफिट्स का वीडियो जो है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एडमिशन्स में ऑलरेडी स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। अभी स्क्रीन के ऊपर आपका उस वीडियो का जो थंबनेल है वो ब्लिंक हो रहा है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन और लिंक जो है जहां आप जाके वो वीडियो देख सकते हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ लिखा हुआ है राजस्थान विश्वविद्यालय ने शिक्षा जो राष्ट्रीय नीति है 2020 की उसके लिए युवाओं के लिए एक पहल की है, एक इनिशिएटिव लिया है। इसमें एनसीसी वेटेज जो है जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के एडमिशन्स में मिलता है उसका जो क्राइटेरिया है या उसकी जो रेंज है उसको बढ़ा दिया है। अब इसके अंदर जो यूजी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, स्नातक या बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम होते हैं उसके साथ साथ में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, प्राय स्नातक या स्नातकोत्तर जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी इनके एडमिशन्स में बेनिफिट रहने वाला है। ऐसे कैडेट्स एसडी, एसडब्ल्यू, जेडी, जेडब्ल्यू जिन्होंने थल सैनिक कैंप, वायुसैनिक कैंप या नौसैनिक कैंप किया है उनको अब 5-5% अंक जुड़ेंगे। साथ में रॉक क्लाइंबिंग, एक भारत श्रेष्ठ भारत, नेशनल इंटीग्रेशन का विशेष प्रशिक्षण लेने वाले जो कैडेट हैं उनको प्रवेश के समय 3-3% अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ दो क्राइटेरिया बताया गया है, टीएससी, वीएससी, एनएससी जो होते हैं उनमें 5% मिलने वाले हैं, उसके अलावा ईबीएसबी, एनआईसी का कैंप या रॉक क्लाइंबिंग किया हुआ है तो उसमें 3% अंक मिलने वाले हैं। ध्यान रखिएगा अगर किसी कैडेट ने एसडीएचडब्ल्यू ने ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड लिया है या उसे ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड से नवाजा गया है तो उसको आउटराइट प्रवेश मिल सकेगा। जहां तक इस आउटराइट प्रवेश को मैं समझता हूं इसका मतलब होता है आपको डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी की किसी भी कॉलेज में या डिपार्टमेंट में मिलने वाला है। पहले ऐसा नहीं था, अगर आप यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस या विवरणिका देखेंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसने 2024-25 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के पास सर्टिफिकेट होने पर, एनसीसी के ये जो सर्टिफिकेट से ये होने पर वेटेज देने के डिसीजन लिया है और वेटेज उन्हें दिया जाएगा। यहाँ यूनिवर्सिटी की जो कुलपति है उनका एक मैसेज भी दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि इनका क्या क्राइटेरिया है, कौन सा सर्टिफिकेट या कौन सी रैंक आपके पास एनसीसी में है, उसके कितने बोनस मार्क्स आपको या एक्स्ट्रा वेटेज आपको मिलने वाले हैं मेरिट के अंदर वो देखते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ है कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनसीसी की यूनिट्स हैं जिनमें राजस्थान आर्म्ड स्क्वाडन, राजस्थान बटालियन, राजस्थान गर्ल्स बटालियन, राजस्थान एयर स्क्वाडन, इंडेप कंपनी और राजस्थान नेवल है, ये यूनिट्स इसमें रहती हैं एनसीसी के अंदर राजस्थान में। इसमें राजस्थान कॉलेज में 220, कॉमर्स कॉलेज में 108, महाराजा कॉलेज में 217 और महारानी कॉलेज में 256 सीट्स
इस सूचना में जो डेट दी गई है उस समय उपलब्ध है। और ये एक अच्छे न्यूज़पेपर का क्लिप है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मौजूदा स्थिति में जो स्नातक और स्नातकोत्तर बैचलर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं, पीजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको प्रवेश के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे आईडीसी कैंप में जाने का सर्टिफिकेट होने पर सीनियर रैंक में अंडर ऑफिसर के 5-5% मार्क्स मिलते हैं। अगर किसी ने आईडीसी किया हुआ है या किसी के पास सीनियर रैंक है अंडर ऑफिसर की, उसको 5-5% एडमिशन में मिलते हैं अभी तक। और अंडर ऑफिसर और सार्जेंट के 3-3% अंक उसको मिलते थे। अब व्यक्तित्व, सौहार्द, साहस की भावना, एक धर्म निरपेक्षता, मानसिकता का विकास करना और अनुशासन सिखाने वाली एनसीसी का वेटेज का जो दायरा है, इसकी जो लिमिट्स है, होराइजोन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये जो सर्टिफिकेट्स वाले हैं इनको भी 3 से 5% मिलने वाले हैं। अगर आप भी JD JW रह चुके हैं या HD HW रह चुके हैं और यूनिवर्सिटी के किसी ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, सर्टिफिकेट में, डिप्लोमा प्रोग्राम में, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट आपके पास है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसका उपयोग करने से आपको इस वीडियो में बताई गई सूचना के आधार पर 3 से 5% तक का एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा, आपके मेरिट मैंने के चांसेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही कॉन्टेंट था जो आप सभी SIGNs के साथ शेयर किया गया है। जितने भी SIGNs ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं स्किल यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।